इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी ब्रोकर को बुधवार शाम गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों से प्रॉपर्टी ब्रोकर का कोई पुराना विवाद था, जिस कारण से उन्होंने घटना को अंजाम दिया। जानकारी लगने के बाद बाणगंगा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं प्रॉपर्टी ब्रोकर को कमर के नीचे गोली लगी। फिलहाल घायल की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। बाणगंगा थाना प्रभारी नीरज बिरथरे ने बताया कि हीरानगर का रहने वाला विकास चौक से बाणगंगा कालिंदी गोल्ड किसी निजी काम से गए थे, जहां पर एमरल्ड सिटी के समीप इलाके में रहने वाले सुमेर व महेंद्र द्विवेदी से विकास का कोई पुराना विवाद चल रहा था। इस पर दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए। घटना के समय विकास अकेले था। इसके बाद सुमेर द्विवेदी ने विकास पर ताबड़तोड़ 2 फायर कर दिए, जिसमें एक गोली विकास के कमर में जा लगी, वहीं दूसरी गोली उसके जांघ में जा लगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद बाणगंगा पुलिस मौके पर पहुंची और विकास को अरविंद अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बदमाशों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार घायल विकास प्रॉपर्टी का काम करता है और सुमेर महेंद्र के साथ उसका कोई पुराना विवाद चल रहा था, इसके चलते उस पर यह जानलेवा हमला किया गया। हाँ, इसमें एक प्रॉपर्टी ब्रोकर पर हमला किया गया, जिसमें कि कोई पुराना विवाद आ रहा है। उसमें 2 लोग आइडेंटिफाइड हो गए। सीसीटीवी फुटेज में भी इसका कुछ एविडेंसेस मिले हैं और इसमें आईपी सेक्शन 307 के तहत केस रजिस्टर्ड थाना बाणगंगा में कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है, जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। अभी फिलहाल स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। प्रॉपर्टी का संभवतः विवाद हो सकता है इसमें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ब्रोकर है और संभवतः प्रॉपर्टी का विवाद भी हो सकता है। इस संदर्भ में आरोपी के हिरासत में जब आ जाएंगे तब तो पूछताछ के बाद ही स्पष्ट रूप से खुलासा